खैर, तो अब अगले टॉपिक की बात की जाए तो अगला टॉपिक है धूम 4 से रिलेटेड, जिसको लेकर के कई सारी रूमर निकल कर आई कि धूम में भाई रणबीर सिंह होगा, रणबीर कपूर होगा, या तो अक्षय कुमार होगा, सलमान खान, शाहरुख खान। शाहरुख खान की रूमर बहुत पुरानी है जो निकल कर आती रहती है हर बार, क्योंकि जब पहले जब ये शुरू हुआ था तो शाहरुख की पीआर ने वो चीज़ शुरू करवाई थी कि भाई शाहरुख को लेना चाहिए, और उसके फैंस बोल रहे थे। लेकिन अभी के लिए अगर बताओ तो वो बोलते ना, वो डिस्कशन ठंडे अवस्थे में थी, जिसके बाद पठान मूवी आई थी, और पठान के बाद लोगों को जिम का कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद आ गया था जॉन इब्राहिम का, कि जॉन इब्राहिम बोला कि भाई मैं जाके मीटिंग करूँगा और डिस्कशन करूँगा कि आगे हम लोग क्या कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन यशराज में उसकी बात नहीं बनी, और वहाँ पर उसने आइडिया धूम का भी पिच किया था, जो उन लोगों ने बोला कि डिस्कस करेंगे। फिर आमिर खान ने भी ब्रेक लिया था, तो उसने भी बात की, जिस पर मैंने पूरी डिटेल एक्सप्लेन की थी कि आगे कुछ इस पर निकल कर आएगा, तो उसको भी श्योरिटी नहीं मिली है। यानी कि यशराज वालों के पास एक चीज़ है कि उनको धूम 4 बनानी है, जो फॉर श्योर वो लोग बनाएंगे, लेकिन बोलते हैं ना कि इस बार उनको लेट डाउन नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ धूम 3 में हुई थी वो लिटरली भाई बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। मेरे को पिक्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी 2 मूवीज़ के मुकाबले में, जिसके बाद जाकर, लेकिन फिर भी वो मूवी ब्लॉकबस्टर है, जो कि अच्छी बात है। धूम की फ्रेंचाइजी की बोलते हैं थोड़ी इज्जत बचाती है और नेक्स्ट लेवल पर ले जाती कमाई के मामले में, जो उस टाइम पर बहुत अच्छी खासी कमाई की थी। अब धूम 4 की जब रूमर निकल कर आई थी तो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि कुछ एक्सपर्ट जो होते हैं जिनको इनसाइड ज़्यादा पता होती है, कि तरन आदर्श हो गया, कोमल नाहटा हो गया और हेमंत है, इन सब लोगों ने क्लियरिफिकेशन दे दी कि उन लोगों ने ऑफिशियली बात की है यशराज स्टूडियो से कि ऐसी कोई पिक्चर नहीं बन रही फिलहाल, तो उनको अभी स्पाई यूनिवर्स पर फोकस करना है, जिसकी कहानी और राइटिंग एकदम अच्छी हो गई है और वो लोग आगे उसको मूव ऑन करने वाले। तो ये एक आइडिया निकल कर आया, लेकिन बात यह आती कि रूमर निकल कर आई कहाँ से। फिर मतलब मैंने थोड़ी जब डिग डाउन किया दी ये की, तो डिटेल दी थी दीदी ने एकदम सीना ठोक करके कि 27 तारीख को भाई इस पर अनाउंसमेंट होने वाली है। अभी 27 तारीख ख़त्म हो रही है आज, और कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। उसने सब डाल दी कि भाई रूमर ये आ रही है कि रणबीर कपूर होने वाला है, मतलब इतनी दुनिया जहान की ऐसी बेकार बातें कर दी कि लोगों को आगे देना पड़ा। तरन आदर्श ने तो एकदम बैशिंग करते हुए बोला कि इनको कुछ सर पैर का कुछ लेना देना नहीं है, बस व्यूज के चक्कर में ये लोग बजाते हैं बैंड लोगों की। तो बताओ इस पर क्या बोलना है। एक बेवकूफ की वजह से पूरे सबकी बेइज्जती हो रही है और बहुत कुछ नहीं। बहुत बुरी। और सोचो लोग काउंटर भी नहीं कर रहे भाई, और उस पर मतलब में उसमें व्यूज़ है, और व्यूज़ में कमेंट में एकदम सेक्शन में प्यार बांटा जा रहा है कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन दे दी है दीदी। भाई कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बस आज बैठे थे दीदी को बोलना था कि भाई आज हमको अच्छे खासे व्यूज़ लाने, स्त्री का चल रहा है, घिस दिया हमने टॉपिक, अब कोई और टॉपिक पर बात करते हो, धूम को घसीट लो। और अच्छा हुआ, क्या हुआ, अच्छा हुआ दीदी ने प्रभास का नाम नहीं लिया उसमें। नहीं नहीं है, अरे गेस व्हाट, प्रभास भी है। सब मिलेंगे आपको पिक्चर के अंदर भाई। तो सही में यार रियल में ना ले भाई, मैं सही में बोलूंगा नहीं देखूंगा मैं मूवी। अरे वो चीज वो देखा मेरे को, अय्यर ने भी भेजा था, शायद आसिम ने भी भेजा था, आई थिंक पहले मेरे को इमरान भाई ने भेजा था कि जो अर्षरवासी ने बोला था कि मतलब उसका कैरेक्टर उसके अंदर जोकर लग रहा था। प्रभास का भाई कॉमिक कॉन का इंटरव्यू है, बंदा उसमें बोल रहा है कि पूरी पिक्चर में मैं ही कॉमेडियन हूँ जिसको आती नहीं कॉमेडी करने, ये खुद बोल रहा है भाई, इसके वीडियो पड़े हुए। मैं बोला लो भाई प्रभास की वीडियो निकल कर आ गई। अजीज भाई, हाँ कॉमिक कॉन में तो पहली बात हमको लग रहा था कि वो नशे करके आया था, क्योंकि जिस तरीके से उसके एक्टिविटीज थे ना कॉमिक कॉन में, हाँ वो तो राणा रघुपति कुछ संभाल लिया, नहीं तो मुझे लगता था गुड़गोबर कर देता प्रभास इंटरव्यू में, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा और था। कमल हसन, कमल साहब, भाई साहब अमिताभ बच्चन, कमल वो गुस्सा गए थे, अमिताभ बच्चन का थोड़ा सा खाली मतलब इंटरेक्शन बैठ करके घर से भाई उन्होंने संभाल लिया था वो टाइम पे कॉमिक कॉन। अरे मैं एक बात बताऊं, मेरे को लगता है पता नहीं पूरी मूवी में सिर्फ अमिताभ बच्चन ही बच्चन लगे बस, बाकी का वो तो बोल सकते हो तुम, बोलते हैं ना नेक्स्ट पार्ट के लिए चलो कुछ अच्छा तुम कर दोगे, कई सारा फीडबैक मिला है उस पर, अपने बात भी की थी। लेकिन सबसे अच्छा तो मेरे को वो क्या नाम है उसका, विजय देवरकोंडा अर्जुन के रूप में, पता नहीं वैसे बोल नहीं पा रहा जब से देख रहा हूं। वो तो है, और हाँ अक्षय कुमार का भी नाम निकल कर आया था, जिसके बाद अक्षय कुमार के फिलहाल तो दिन अच्छे नहीं चल रहे, और अक्षय कुमार का काम है कि जब कोई फ्रेंचाइजी बहुत हिट हो जाती है तो अक्षय कुमार को चोरी से उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, जो कि स्त्री में भी लगता है कि अलग से शूट किया हुआ है, विश्वजीत ने भी कोट किया था वो चीज़, और पता चलती है कि भाई वो एकदम एंड मोमेंट पर लोगों ने शूट करके डाला उसके अंदर सीन, जबकि उस सीन में विजय राज का आई थिंक कैरेक्टर था, लेकिन उसको उन लोगों ने हटा दिया इन्फॉर्मेशन के मामले में, चेंज कर दिया सब कुछ। तो अब अक्षय कुमार की टीम ने यहाँ पर भी ट्राई किया, और इसके पहले भूल भुलैया की भी रूमर निकल कर आई थी कि भूल भुलैया 3 में मतलब अक्षय कुमार रिटर्न कर रहे हैं। अब अक्षय कुमार ने आकर के ऑन स्टेटमेंट बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ।
हाँ अब मैं अक्षय कुमार के एज अ फैन बोलूँ, बस मेरे को तो ये उम्मीद है कि वो कहीं एक साल के लिए कुछ भी ना दे बस, उससे चाहे अगले साल वो निकालना शुरू करे, ये पर वो तो सुनता मुश्किल ही है। नहीं है, क्या बताओ वो सोचो, उसको। मैडॉक वालों ने मूवी बना करके पर वही रखी बात है, है, पर पता है वही ना। बात है कि अक्षय कुमार के फैंस सिर्फ इसलिए है कि उसने इतना अच्छा काम ही किया, तो क्या ही बोले, अरे मैं ये मैडॉक चलता वाले है को बोल बोल रहे के। कि ये लोग मास्टर स्ट्रोक खेल रहे, ये खेल रहे, उन लोगों की अक्षय कुमार की पिक्चर बनी हुई है, वो रिलीज होने वाली थी आई थिंक अक्टूबर या 15 अगस्त को, कहीं भी स्काई रिलीज फोर्स, डेट स्काई फोर्स, वो अभी डिले कर दिया और उसको 15 कहीं भी हाँ छब्बीस डिले कर जनवरी छब्बीस जनवरी की इसमें दिया, डाल इंडिपे दिया। उनको तो एक फॉर्मल रिलीज करना चाहिए अभी ये सब उससे पहले। वही मतलब वही जो ऋतिक रोशन ने किया, ये सब किया, वही चीज़ें वापस लोगों को रिटर्न लानी थी कि देखो हम कुछ अरे अलग पर मेरे दिखाएं। को एक बात, पर हाँ मैं ये कह रहा था कि धूम थ्री की बात थी, मैं सोच रहा हूँ धूम थ्री में रणवीर सिंह को मौका देना चाहिए, पता नहीं मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी एक्टिंग करेगा वो, जब से किसको उसमें देखा है ना मैंने किसको उसे नहीं पद्मावत में, लगता है कि उसका, नेगेटिव नहीं, कैरेक्टर को निभा ही लेगा देखो वो, धूम के लिए अगर मैं ओपिनियन दूँ तो तो बड़ा डॉन हीरो ही चाहिए जो ऑडियंस थिएटर तक पुल कर सके, क्योंकि पिक्चर का नाम हाँ। और ऊपर से एक्टर की बोलते हैं ना तो थोड़ा रणवीर ऑल सिंह इन। का नाम तो है वैसे, रणवीर ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं कि अभी नाम अभी के नहीं, टाइम पे तो नहीं भाई नहीं इसकी नहीं बैंड बजी पड़ी है, अभी बोलोगे तो रणवीर रणबीर सिंह कपूर की नहीं, अभी बैंड तो वो कुछ बोलते नहीं, हैं ना थोड़ी है, हाइप बहुत ज़्यादा है। लेकिन और लेकिन रणवीर सिंह का नाम तो इस चक्कर में खराब होगा ना, रॉकी एंड रानी, रॉकी एंड रानी देखी तो नहीं, फिर मेरे तो एनिमल देखी थी बड़ी थी रॉकी मूवी, दिमाग रॉकी सही है और ये। ये पता है ना रॉकी और रानी भाई, एक हिसाब से हिट बोल सकते हैं उसको, ब्लॉकबस्टर भी बोल सकते हैं मेरे ख्याल से। ये रणवीर नहीं सिंह अरे जब ब्लॉक उसका बस्टर फेमस नहीं थी नहीं तो क्या रॉकी एंड रानी कौन जानेगा आज से 10 साल बाद, धूम कोई जानेगा नहीं, को लेकिन हाँ अरे मूवी ब्लॉकबस्टर है भाई, ऑलमोस्ट 355 अरे है, उसको एनआरआई ने बहुत ज्यादा पसंद कर लिया था। क्या बोले ग्रॉस कौशिक, ग्रॉस कौन सी मूवी था, अरे रॉकी मैं रानी, धूम फोर पे कर रहा था अजय भाई, मैं धूम फोर पे, अरे बोलो बोलो। मैं हमें कह रहा था कि देखो धूम फोर, धूम फोर को एक एक अच्छा एक और कौशिक कंप्लीट कर ले। वेल रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न वो चाहिए विलन एंटागोनिस्ट, हाँ बोल तभी वो सकते हो, मूवी उस दिन बैठ करके हम लोग, मैं डिस्कस कर रहा था धूम कि अगर मेरे को कहानी के फोर लिए को बोलोगे। जब भी बनाएंगे हाँ आशीष भाई ये बनाएंगे कैसा हो अच्छा। जाएगा, और जो दूसरी चीज है वो हाइस्ट, क्योंकि धूम थ्री में जो था ना जो हाइस्ट जैसा कुछ फील नहीं होता अरे कि भाई हगा था ऐसा कुछ भाई, कुछ डायरेक्टर करेगा। ने हगा था उसको अरे मैं एकदम। एक बात बताऊं, मैं एक खुदा ही बात बताऊं, मैं ना अभी हाँ धूम थ्री को देख लूंगा, पर मेरे से ना ये 12 अरब का स्पाई यूनिवर्स ने देखा था वो, अभी सुबह ऐसा ही बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों अच्छा ही लगता मेरे को। हम अब लोग अजीज भाई बोलेंगे कि हेटर है, पर मैं हेटर नहीं, पर मैं मेरे से क्यों वो झेल ही बोलूं नहीं भाई, जाती, सही बता रहा तुम्हारा हूँ। ओपिनियन है भाई, मैं वो टट्टी बोल दो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा ओपिनियन है। अगर नहीं नहीं हाँ मैं अगर बताऊँ, धूम थ्री देख लो तुम्हें बार, पता नहीं क्यों मेरे को आमिर खान फिर भी सही लगेगा, पर मैं वो देख नहीं पाता स्पाई यूनिवर्स की कोई भी अच्छा मूवी, नहीं, लेकिन धूम इसकी वन नहीं वन है और टू की, वन और टू एक ऐसी फिल्म थी जिसने साउथ स्टेट में जाकर के अपना डंका बजाया था भाई, ये अरे लिखी बात मुझे है। मुझे ही बढ़िया लगता है मतलब जिसने बचपन में कभी पूरा देखी आगे, हो धूम बार धूम टू तो वो कभी भूल भी पाएगा, ऐसी मूवी थी वहाँ वो। के लोग इतने पागल हो गए थे भाई, थिएटर हाउसफुल रहते थे, और सेकंड में ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी कि उस टाइम पर आकर के राजामौली को बोलना पड़ा था कि प्रभास बहुत बड़ा स्टार है इसके आगे, वो भी बिल्ला पिक्चर को लेकर भाई, बिल्ला जैसी टट्टी भाई, अरे भाई क्या बोले भाई। साउथ वाला पता अलग ही चलता है, तो उससे तो क्या ही हाँ बोला, नहीं, पूरे लेकिन बुरी मालूम है ये एक लगती जो मिलन की बात की जाती है ना, है मतलब कुछ एक्टर्स है बॉलीवुड के जो अच्छे एक्टर, वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और होना चाहिए भाई, अगर पैन इंडिया पे तुमको मूवी निकालनी है तो तुमको को। लेवल बढ़ा करके निकालोगे तो हॉलीवुड जितनी कमाई तो नहीं, लेकिन अच्छी मैं खासी 1000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस नंबर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सोचता हूँ कि हॉलीवुड में गोरे काले मिल जाते हैं, यहाँ तो काले काले नहीं मिल रहे नहीं होता भाई, यही बोल सकते हो अरे तुम। भाई ये हाँ वही बोलो तो अय्यर, यार, एक मिनट एक मिनट, कोई अय्यर अय्यर बोलो, एक नंबर मिनट अय्यर बोलो। ये धूम फ्रेंचाइजी की सारे ये स्टोरीज कनेक्टेड रहते ना, तो अगर धूम फोर में सारे करेक्टर का अरे प्रभाव अय्यर रहा कनेक्ट तो करवाना है ना, हमारा मैं अभी दे देता हूँ ना प्लॉट, देखो कोई भी फिल्म के एंड में जो भी एक्टर मरा दिखाया नहीं है, सबको हाँ रख वो तो लो, फिर नहीं सबको रहता इस है। बात के लिए रख लो कि एक जो बड़ा बैडेस्ट कैरेक्टर विलन बनाए कि ना ये लोग, वो इनसे पकड़ा नहीं जा रहा है किसी दोनों से, तो उनको मदद चाहिए तो वो लोग वो फिर दिमाग लगाएगा अभिषेक, वो जा जाके जितने हाँ भी उसने छोड़े थे ना विलन, सबसे बात करेगा कि इसको कैसे पकड़ना, आइडिया दो, ये करेगा भाई, ऋतिक इस रिटर्न को देगा, बहाने जॉन उदय रिटर्न चोपड़ा को भी आ देगा। जाएगा, हाँ क्या इस बोले, बहाने उदय चोपड़ा भी आ जाएगा, हाँ नहीं तो ऐसे में तुम एक अच्छी स्टोरी दे सकते हो, लेकिन इन सब के लिए ना वो सामने वाला कैरेक्टर बहुत बैडेस चाहिए। पर मेरे को तो अगर वो वापस दे तो भाई मेरे को तो चाहिए वो लंबे वाल वाला जॉन अब्राहम, बहुत टाइम से नहीं देखा मैंने हाँ नहीं अरे बहुत अच्छा रिटर्न होगा अगर इनको देना है तो, काफी अच्छी स्टोरी बन जाएगी, बस उस पर थोड़ा हाँ वर्क करना है कि हाइस्ट कैसे दिखानी है। सोचो इंट्रोड्यूस करवाना सोचो पड़ेगा, पानी में से देखा करेंगे दिखा उसे, करेंगे नहीं होंगे। अरे क्या क्या बोले अरे थे, वही लिवाई बताओ कुछ बोल रहा कि था, बोलो कौशिक तुम बोले, चलो। मतलब उनको लंबे वाल में चाहिए ना जॉन हाँ अब्राहम, तो हाँ फिर मूवी में ना टाइम ट्रेवल का इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा फिर। नहीं यार नहीं, वो सब नहीं करना, नॉर्मल स्टोरी भी रखोगे तो अच्छी बन जाएगी यार, बहुत अच्छी बनेगी। वो तो आर्गेन कर देगा, वो आर्गेन कर देगा ऋतिक रोशन टाइम हाँ ट्रेवल को। और बोलो
अरे ये कह रहे हैं ये हाइस अच्छी दिखा दे, क्या दिखा हम तो हाइस के हो रहे हॉलीवुड मूवी, अच्छा हाइस है ना पूरा। हाँ। जो मतलब हाइस देखो स्टैंड से ज्यादा हाइस पे ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाई अरे वही तो चाहिए लोगों को। अरे बोल रहा हूँ तीसरे पार्ट में चीज गायब कर दी थी डायरेक्टर ने, उनको ये लग रहा था कि अब लोगों को हाइस नहीं देखनी है, सीधा चेजिंग दिखाओ। और एक जो करने वाला विलन एंटागोनिस्ट और वो और ज्यादा अच्छा, तो मूवी काफी अच्छी बनेगी। हाँ अरे तुमने वही चोरी के नाम पे प्रेस्टीज चेप दी थी भाई पिक्चर लोगों को। मेरे को तो अब भी धूम थ्री इतनी अच्छी लगती है ना कि मार्वल की मिस मार्वल से या फिर इन सब मूवियों से अच्छी लगती है धूम थ्री, बार बार देख लूंगा मैं। चलो मेरे को ना इटर्नल्स के बाद कोई मूवी अच्छी लगी नहीं है मार्वल से। इटर्नल्स के बाद नहीं यार, उसके बाद तो यार क्या बात है। सॉरी इटर्नल्स के अलावा, इटर्नल्स के अलावा कोई मूवी अच्छी लगी जब तक ये वुल्वरीन नहीं आई थी, उससे पहले तो सब टूटिया मूवी आई थी। नहीं उनके अप्स एंड डाउन चल रहे थे उनके कंटेंट को लेकर के, ये बोलूंगा। आप अप्स एंड डाउन कह सकते हो, पर मैंने एक चीज और देखी है, मार्वल ना सबसे ज्यादा डिफेंड किया था बंदों के सामने कि इसने ये कमी कर दी है तो अगली मूवी में सही हो जाएगी, पर एक्चुअल में देखो ना तो बहुत बुरी मूवी दी है। मतलब मैं क्या ही बताऊं मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, बाकी लोग नहीं पता, मैं सपोर्ट करता हूं क्योंकि मेरे पास इनसाइट्स है, मेरे को सामने वाला बता रहा है कि इन चीजों पर वर्क किया जा रहा है तो मैं सपोर्ट। आपकी बात ठीक है पर कहां सेंची वगैरह कहां अच्छी मूवी थी इतनी? सेंची अच्छी थी यार, क्या कर रहे हो सेंची यार, सेंची ना तीन बच्चे, सेंची ना तीन बंदे देख रहे थे, तीन बंदे और तीनों बंदों के सर में दर्द होने लगा था देखते देखते। नहीं वो बोलो लेकिन सेंची बहुत अच्छी मूवी थी, मैं ये बोलूंगा सेंची बहुत अच्छी। टॉपिक से नहीं भटकते भाई, धूम की बात है बोलते ना, लोगों का थोड़ा इमोशनल था चैडविक से, अच्छी लगी थी। हाँ उस मूवी से बाकी तुम निकाल दो ना तो भाई, मूवी में मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं। नेमार हाँ, वो है नहीं कुछ भी, ये उसमें भी वो बेचारा इतनी आसानी से राजी है स्टोरी से। इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई थी वाकांडा में, इनका ज्यादा फोकस स्टोरी पे कम और कल्चर प्रेजेंट करने में कुछ ज्यादा ही आ गया था कि भाई ये मैक्सिकन कल्चर दिखा रहे हैं, नहीं चाहिए भाई। मुझे लग रहा है कि ये कहीं कल्चर में ही रह जाए, अमेरिका वाले पिक्चर में सब फ्लॉप होती जाएंगी कल्चर ही। इको की गांडवादी थी भाई, इको की गांडवादी। चलो उस पे बात करेंगे, मार्वल के अगर फॉल्ट की बात करना है तो उस पे भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी धूम का टॉपिक सुन तो लो, धूम का टॉपिक रैप अप कर दूं फिर। हाँ ठीक तो ये धूम का टॉपिक था जिस पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप कमेंट में लिख कर बताना। तो चलो इस टॉपिक में फिलहाल तो बस इतना ही है।